इधर बोल रहा है ही ना भैया मनोज 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 मन
खाओ खिलाओ क्या बात है। इसके बाद दीपक वाला दीपक ही खड़ा भाई दीपक अदनन अदनन ये आप सबके लिए केशव को दिला दो केशव को थैंक यू भाई आ जाओ अरे जाओ 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 अभिषेक भाई इधर भी क्या बात है अभिषेक भाई जाओ 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 मनोज जा मनोज नहीं 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 क्या बात है जाफर भाई क्या बात है शुभी बर्थडे भाई थैंक यू बस और कोई नहीं आ रहा है अरे भाई आना आप लोग यस थैंक यू सो मच हैप्पी बर्थडे वंस मोर थैंक यू भाई लोग आप सबकी इच्छाएं पूरी हो अरे आपका बर्थडे दैट इज माय विश थैंक यू भाई लोग मैंने सबसे पहले सर हैप्पी बर्थडे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके बर्थडे के थैंक यू सो मच आपको की दुआ और प्यार है साथी मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का आपको रिस्पांस मिलने लगा रात में से रात को ही लोग मैसेज करने लगे होंगे आपको हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे जी 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 बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि कल है वैसे हाँ बर्थडे वैसे कल है पर रिस्पॉन्स जब आएगा तो मैं बताऊँगा क्या मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक गोवा में जा रहा हूँ वहाँ दो तीन दिन का रेस्ट रिलैक्स करके रिफ्रेश आके फिर एक नए सिरे से काम चालू हाँ भाई गॉड्स ग्रेस पहले तो यूट्यूब से शुरू हुआ संदीप भैया शो फिर अमेजोन पे एस्पिरेंट टू और नेटफ्लिक्स पे रेलवे मैनर्स मतलब और क्या चाहिए आपको एज एन एक्टर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरीके से अलग अलग पैमाने पे शोज मिल रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं सो इट्स अ ग्रेट गिफ्ट टू मी माय गॉड एंड आई एम हैप्पी एंड इन रिटर्न आई ओनली वांट टू गिव लव एंड स्प्रेड लव सर ये भी जानना चाहेंगे एज अ रिपोर्टर आपने रेलवे मैन में एज अ रिपोर्टर परफॉर्म किया है सो कितना चैलेंजिंग रहा एज अ रिपोर्टर मैं जानना चाहूँगी काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्टर लोग का काम इतना आसान नहीं होता मतलब पहले बाकी लोग को रखते हैं और बाद में अपने आप को तो वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी मैंने काफ़ी पढ़ा रिपोर्टर्स के बारे में और किस तरीके से वो अपने आप को नछावर कर देते हैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू एंड टू अदर जर्नलिस्ट यू नो एंटरटेनमेंट और अदर कैटेगरीज या जो भी इस तरीके से काम करते हैं दे आर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे आर टेकिंग दैट ऑन देयर शोल्डर्स यू नो एंड इट्स
it's just amazing the kind of work that you do. Bringing in change to the society. आप लोग पे dependent है news और सारी चीज़ें, तो it's a responsibility and बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और बहुत अच्छा लगा, you know, putting अपने आप के बाद, पहले आप अपने देश, अपनी कम्युनिटी, अपनी सिटी को रखते हो और फिर आप कहीं कुछ मिल जाता था अपने देश को। संदीप भाई, संदीप भाई, किस तरह से आपको अभी ऑफर आ रहे हैं रेलवे मैन के? बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिल रही है, तो ऑफर्स तो आते रहेंगे, है ना। प्यार मोहब्बत जब तक मिलते रहे तब तक अपन खुश हैं, और ऑफर्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बातचीतें चल रही हैं। रेलवे मैन काफ़ी इमोशनल था, लोगों के दिलों में एक जगह बना लिया। जी 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 जी, हाँ, मतलब जिस तरीके की कहानी थी, जिस तरीके की नाइट थी, वो उसके बारे में, यू नो, उसके बारे में इस तरीके से बनाना, वही वाली बात है। मैं किसी को और को भी कह रहा था कि ये कहानी एक कलेमिटी की थी, एक रात की, बट उसमें जो है ह्यूमन स्पिरिट किस तरीके से खड़ी होती है, ह्यूमैनिटी की जीत होती है, वो कलेमिटी के ऊपर ह्यूमैनिटी आती है यहाँ पे, दैट्स ये उसके ऊपर है। तो वो एक हमारे देश, हमारे लोग, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, कि हम ही लोग जब कुछ कलेमिटी या किसी तरीके की आती है तो सब कैसे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। वो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है, वी कम टुगेदर, तो वो एक कमाल चीज़ है, वही दर्शाने की कोशिश की। तो संदीप भाई, रिसेंटली आपका मतलब शो आया संदीप भाई जो ब्लॉकबस्टर टीवीएस की तरफ से, हम मतलब फैंस भी बहुत चाहते हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो फैंस भी सोच रहे कि और पार्ट टू बनना चाहिए। जी जी जी, तो उसके बारे में क्या करना बनना चाहिए, बस मैं ये कहूँगा, बाकी आप मेकर्स को बोलिए, वो बनाएंगे तो अपन करेंगे। बिकॉज आपके कैरेक्टर को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी जी जी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, और इतना प्यार मिलता है, और आई एम श्योर दे आर ऑल्सो थिंकिंग। प्लानिंग, एनी प्लानिंग चल रहा है कुछ ऐसा? देखो, मुझे बताया नहीं है, आई होप प्लानिंग हो रहा हो, वो तो आराम से बताते हैं, लिखते हैं, समय लगता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लास्टली ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रोजेक्ट अपकमिंग में हैं जो बहुत जल्द हमें देखने को मिले? हाँ, अपकमिंग में तो हैं, पर वो बोल नहीं सकते अभी, क्या करें, कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड है, बट आएंगे, पता चलेंगे। जिस तरह से रेलवे मैन का क्रेज लोगों को बीच में है, हर किसी से सुनने को मिल रहा है कि रेलवे मैन देखो देखो, तो आपका क्या ओपिनियन है ऑडियंस के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका? मैंने वही बताया ना अभी 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 कि वो कहानी एक ड्रेडफुल नाइट की, एक कैलेमिटी की है, बट उसमें से ह्यूमैनिटी कैसे जीतती है उस बारे में है ये कहानी। और आपको कमाल के कलाकार हैं, मतलब इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, सो वॉच फॉर देम, वॉच फॉर द स्टोरी एंड वॉच फॉर द ह्यूमन स्पिरिट, जो होप। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू, हेलो, थैंक यू, भाई।